हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़ी पाटिल आईआईटी एकेडमी। माई सेल्फ जय प्रकाश सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड खत्म कर रखा है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फजान्स रूल भी पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल भी किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है और हाउ टू फॉर्म और किस टाइप के बॉन्ड को, मतलब कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम के शेयरिंग्स, एटम के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होगा। तो मिनिमम कितने एटम होने चाहिए? दो, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में या तो आप दो एटम ले सकते हैं या फिर मोर देन जो है कि टू एटम भी ले सकते हैं। तो हमने लिखा है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू और मोर देन टू एटम। तो अब इसके हमें डेफिनेशन हो गया कि यही तो डेफिनेशन है कि शेयरिंग से बनेगा। बट आप आयनिक में अगर जाएंगे तो आयनिक बोल रहे थे कि एक एटम लॉस करेगा, दूसरा एटम गेन करेगा। बट कोवेलेंट में क्या होगा कि दोनों एटम में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके कंडीशन ले लेते हैं कि फेवरेबल कंडीशन और कोवेलेंट बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर एटम शेयरिंग करके अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटी क्या होना चाहिए, दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो कि पार्टनरशिप ही करना है तो दोनों का पावर सेम होगा तभी होगा। अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें शेयरिंग करना है तो हम 50-50% कर सकते हैं। ठीक है, तो 50-50% करने का मतलब है कि दोनों की कैपेसिटी सेम होगा। और केमिस्ट्री के टर्म में अगर कैपेसिटी सेम होगा तो मतलब उसको किस टर्म में लिखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखेंगे यहां पे कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atoms must be small or same। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस मस्ट बी स्मॉल होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल होना चाहिए, या फिर आप सेम की जगह पे लिख सकते हैं जीरो लिख लीजिए, क्योंकि आप डिफरेंस जब की बातें कर लिए तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तभी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर हम बात करें कि मस्ट बी सेम या मस्ट बी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी क्या करेगा? वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड मिस, यहां पे एक चीज और भी आपको रखना है कि जो डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से क्या होना चाहिए?
कम होना चाहिए। आयनिक में क्या था, डेल्टा एन 1.7 से ज्यादा होता, वहां पे हमने पढ़ा है डेल्टा 1.7 क्या है। तो या तो स्मॉल हो तो स्मॉल 1.7, या तो फिर क्या हो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए जीरो। अगर दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है द एटम्स मस्ट बी नॉन मेटल। क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है। आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक बढ़ेगा और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो मेटेलिक। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक वैसे ही हमें तो एटम मस्ट भी क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए। अगर वो नॉन मेटल्स होगा तभी कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो अब तो यहाँ पे हो गया कि नॉन मेटल। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, क्यों कौन से एटम होंगे, क्योंकि नॉन मेटल बहुत सारे आ जाएंगे तो कौन से एटम होंगे जो कोवेलेंट बनाएंगे। तो The valence electron of atom कितना होना चाहिए, 4 रहे। अगर किसी के valence electron में कितने electron हो, valence electron किसी atom का 4 हो तो कौन सा bond बनाएगा, covalent bond या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। ठीक है, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होगा तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वो क्या कैसे बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग से। लेकिन आप आयनिक में देखिएगा, फेवरेबल कंडीशन में हमने लिखा है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 1, 2, 3 एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 5, 6, 7 होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट भी क्या होना चाहिए, 4, 5, 6 और क्या होना चाहिए, 7। ठीक है, तो इसके कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम मस्ट बी स्मॉल और जीरो, या फिर आप बोल सकते हैं डेल्टा एन लेस देन 1.7। द एटम मस्ट बी, वो एटम कौन से एटम होंगे, द एटम मस्ट भी क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम मस्ट भी क्या होना चाहिए, 4, 5, 6, 7। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होंगे तभी वो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये सब कंडीशन हमें चाहिए। इतना अगर रहेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा, आयनिक से मिलेगा नहीं, आयनिक से डिफरेंट होगा। दोनों की प्रॉपर्टी आप चेक कर लीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन और उसके डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल यहां पे लिखेंगे अभी कोवेलेंट बॉन्ड में। अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब किसी दो एटम का शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मतलब जितना एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही दूसरे एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब क्या करना है कि हमें कंट्रीब्यूशन करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाना है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहला फर्स्ट शेयरिंग ऑफ one electron, ठीक है, sharing of one electron by atom, then अगर मान लेते कि कोई एटम है, दो एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो वहां पे अगर हम बात करें देन तब क्या होगा कि मान लेते कि एक एटम है ए और एक एटम है बी,
तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सोचिए कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन माने, मान लेते ऐसे ने कर लिया कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से आप कर लीजिए और यहां से आप कर लीजिए। देखिए तो ये जो सर्कल में आप देखिए कि हमने फजान्स रूल में भी किया था कि दोनों के सर्कल जब कट होते हैं तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोनों सर्कल कट हो रहे हैं और ए वाला इलेक्ट्रॉन बी में भी काउंट हो रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन ए में भी काउंट हो रहा है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इस पर्टिकुलर रीजन को आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है क्या? ये वही रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, शेयरिंग। जब एटम में शेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ए और बी इन बिटवीन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ए वन इलेक्ट्रॉन बी आफ्टर शेयरिंग दे आर फॉर्म द बॉन्ड। द बॉन्ड इज क्या होगा, कितने बॉन्ड है यहां पे, वन, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, या इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस। तो अगर देखो शेयरिंग करना है अपने को, तो पहला शेयरिंग ऑफ टाइप क्या हो सकता है कि वन वन इलेक्ट्रॉन का होगा। जब वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा देयर फॉर्म द सिंगल बॉन्ड, दैट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड, शेयरिंग ऑफ टू टू इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स, देन क्या होगा, अगर सोचो कि एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, यही ए और बी ले लीजिए आप, अगर यही ए और बी ले रहे हैं कि इस बार इसका एक इलेक्ट्रॉन और बी का भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो अब देखिए यहां पे इस रीजन में यही शेयरिंग वाला रीजन है और दिस रीजन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड टू इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो दोनों शेयरिंग कर लिए, तो शेयरिंग जब किया होगा तब देखिए कि पहले वाले केस में अगर वन इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बना, दो इलेक्ट्रॉन से कर रहा होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना चाहिए, दो। वन बॉन्ड फॉर्म होगा जब दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, दो बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, दो बॉन्ड। अब देखिए, अब ये डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड, ठीक। ये दोनों जो है ये सिंगल बॉन्ड थे, क्या है, डबल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें केवल क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो वन बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा बॉन्ड। ध्यान समझिए, इफ किसी दो एटम के बीच में आफ्टर शेयरिंग डबल बॉन्ड बना होगा तो उसमें एक बॉन्ड के नेचर को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और एनदर जो बॉन्ड होगा दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। आपको याद रखना है, ऐसा आपके लिए नया टर्म है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड है, देयर आर वन सिग्मा बॉन्ड, एनदर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो मैथमेटिक्स में पाई लिखते हैं वही उसी से ही रिप्रेजेंट करना है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, पाई बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और भी डाउट होगी, कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो आप क्या करो कि आप किसी एक को सिग्मा मान लो तो दूसरा क्या होगा, पाई, और किसी एक को पाई मान लो तो दूसरा क्या होगा, सिग्मा। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सिग्मा होगा और यही पाई होगा, ये भी सिग्मा हो सकता है ये भी पाई हो सकता है, तो ऐसा डबल बॉन्ड में नहीं है कि विच ऑन द सिग्मा विच ऑन द पाई, if there are double bond one consider as the sigma bond another ultimately kya ho jayega pi bond ho jayega, theek hai, to ye ho gaya aapka double bond ki sharing hua। ab ye sari sharing kyon ho raha hai, why
ये शेयरिंग क्यों कर रहे हैं? एटम को क्या होना है? स्टेबल होना है। जैसे मान लेते हैं, किसी एग्जांपल को फिर से थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि मान लेते हैं कि ए के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। और बी के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। बट एटम तभी स्टेबल होता है जब उसके क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो हमने लिखा है कि अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ या 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ या 7 हुआ, ये सभी एटम, अगर किसी एटम ऐसा है जिसके पास भी 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो शेयरिंग ही करेगा। तो अब देखिए, ए के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7 थे, और 7 था तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों की तो कैपेसिटी सेम है ना, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 है, तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 की। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल होगा। बी ने ए के साथ शेयरिंग किया तो साइमल्टेनियसली ए ने बी के साथ भी किया है। तो आप देखिए, आप इस सर्कल की बात करें, इस सर्कल की अगर बात करते हैं तो इस सर्कल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक इलेक्ट्रॉन। और इस सर्कल में यहां से यहां देखिए, ए के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और एक बी का शेयरिंग करके आया, तो टोटल कितने होंगे? तो इसके पास भी कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास भी क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एटम शेयरिंग करता है फॉर बिकम स्टेबल। और वो हमने लिखा है आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले किया था कि शेयरिंग 3 टाइप के होंगे। एक तो होगा लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग, और एक हमारे पास बनता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो दो ही होते हैं कि लूजिंग, गेनिंग और क्या होगा, शेयरिंग। तब देख लो यहाँ पे बन गया। तो वैसे अगर यहाँ पे देखो कि अगर इस आइटम के पास अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 दिखा दो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस आइटम का कितना है 6, और इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 रहा होगा, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना दिखा दो 6, तो अगर 6 बी के पास है और 6 ए के पास है तो दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो दोनों की कैपेसिटी सेम, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तक कैपेसिटी में तो सेम है ना, किसी का कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर उनको ऑक्टेट कंप्लीट करता तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, शेयरिंग करना। शेयरिंग करेगा तभी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इनको, इन्होंने के पास 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया? देखिए, ए का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, बी का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बी का यहाँ पे। अब देखिए, ए के पास पहले से थे तो 2 चले गए यहाँ पे, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखिए चीजें और भी थोड़ा सा, हम और भी चीजें क्लियर करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आपकी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की बातें और भी करेंगे, जो रेस्ट में बचे हैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे। तो अभी देखिए कि बस बॉन्ड की बातें करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम थर्ड केस की बात करें, शेयरिंग ऑफ 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात, तो अगर शेयरिंग ऑफ 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बाय एटम्स, थिंक क्या होगा? तो सोचिए, एक ही एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन प्लस बी के 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर लेते हैं, तो आप देखिए कि जब 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए तो डबल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड, जब 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए 1 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब सिंगल बॉन्ड था तो आप उसको क्या बोलते थे, सिग्मा। जब डबल बॉन्ड था तो देयर आर 1 सिग्मा एंड 1 पाई, कोई भी आप सिग्मा ले लो, कोई भी पाई ले लो, कोई डाउट नहीं है। बट इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 1 बॉन्ड क्या होगा, कोई भी,
थ्री बॉन्ड से कोई भी बॉन्ड एनी वन बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? आउट ऑफ थ्री बॉन्ड देयर आर वन सिग्मा बॉन्ड और रिमेनिंग जो बचा हुआ है दो बॉन्ड है रिमेन जो बचा हुआ है दिस इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो एक ट्रिपल बॉन्ड में क्वेश्चन आता है नीट में एक मॉलिक्यूल दे देगा पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई लास्ट ईयर 2019 का प्रॉब्लम है। तो इन ट्रिपल बॉन्ड देयर आर टू पाई बॉन्ड और वन क्या होगा सिग्मा। एक वन डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में वन सिग्मा और एक क्या होगा पाई बॉन्ड बट अ सिंगल बॉन्ड क्या होगा सिंगल बॉन्ड में क्या होगा ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो आई होप यहां तक आपको शेयरिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो सिग्मा और जब टू टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो वन सिग्मा वन पाई। इफ ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो वहां पे वन सिग्मा एंड टू क्या होगा पाई वन। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज जो ये है कि आपको जब समझ में आता है आप लेक्चर अगर पढ़ रहे हैं कुछ लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि आपको समझ में आया नहीं आया लेक्चर कैसा है या फिर उसको भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसको लाइक करिए कमेंट करिए ठीक है कैसा लेक्चर है कहाँ पे डाउट है। आप जस्ट वॉच करके छोड़ दोगे तो उससे मतलब कि हमें नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे और आपको क्या इंटेंशन है आपको कहाँ पे डाउट है और जो हम बना रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक है। आपका ये काम है कि आप कम से कम उसको लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है लाइक करिए और मतलब अच्छा है समझ में आ गया तो उसको कमेंट भी करिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे टीचर को भी एक मतलब एनर्जी मिलेगा कि जो हम कर रहे हैं वी आर डूइंग गुड कि हम सारी चीजें जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो लेक्चर बना रहे ओनली फॉर यू कि आपको ही पढ़ना है हमें नहीं पढ़ना हमें आता है हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तभी हमारा काम बेटर होगा अगर नहीं समझ में आएगा तो काम बेटर नहीं है। तो आप उसका रिप्लाई किया करिए कि अच्छा है नहीं है कहाँ पे डाउट है तो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे तब हमारा और आपका इंटरेक्शन है ठीक है। आपको जो पॉइंट समझ में आ जाता है जो अच्छा लग रहा है उसको आप कमेंट करिए जो भी है निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा तो जैसा आपको लग रहा है वैसा आप कमेंट करिए ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि एक तो ये हो गया कि इतने टाइप के बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे और भी एक कोऑर्डिनेट होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक हो गया कि बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ओवरलैपिंग कि एक होता है केमिस्ट्री में कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ओवरलैप करके ऑर्बिटल ही क्या बनाता है ऑर्बिटल ओवरलैप के क्या क्या बनाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब हम ओवरलैपिंग की बात करें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इसमें फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हमको किस अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है यहाँ पे देयर आर फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज द पाई बॉन्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ओवरलैपिंग की बातें करना है कि कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और किस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो पहला जो है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होगा दिस इज द किस टाइप का ओवरलैपिंग होगा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग मतलब कि डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा तभी आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे हेड ऑन हेड क्या होगा। और जो फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगा जिसको बोलते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग और
पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं और करके लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग, तो यहां पे दो टाइप की ओवरलैपिंग होगा, एक तो साइड वाइज होगा और या तो इसी को बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर लैटरल ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग होगा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो यहां पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। और जब हमारे पास साइड वाइज या पैरेलल या लैटरल होगा तो वहां पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड। मतलब अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सिग्मा हो या पाई हो, आयनिक को छोड़ करके अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, मैक्सिमम जितने कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड ही बनेगा, तो वहां पे अगर पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर क्या बोलेंगे लैटरल ओवरलैपिंग। अगर हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करना है तो हम किसकी बात करेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट इसके आगे अब हमें पॉइंट पढ़ना है कि हमें क्या क्या चीजें डिस्कशन करना है, तब उसकी बातें करते हैं। तो यहां तक हो गया कि हाउ टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड और क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। अब हमें मॉलिक्यूल को बनाना है कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो किसी भी एटम दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग जो कराना है वो कैसे करता है उसकी बातें। ठीक, तो देख लीजिए, थोड़ा सा हमें जो हमने ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक्चुअली वो टॉपिक पढ़ना है सेल सबसेल और उसका शेप। तो सेल सबसेल और हमें उसका अगर हमें बात करना है तो हमें सबसेल की बात करें या ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेल ऑफ ऑर्बिटल। ये अलग है केमिकल बॉन्डिंग से, एक्चुअली पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसको फिर इसके बाद पढ़ लेंगे। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आप देखेंगे देयर आर फोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और क्या होता है F सबसे, तो इनके शेप होते हैं। तो जो S का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल। S का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल। P का जो शेप होता है डंबल। P का जो शेप होगा वो क्या होगा, डंबल। और जो D का जो शेप होगा वो होगा डबल डंबल। ठीक, और एफ का जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो उसका कोई शेप नहीं है फिलहाल, तो हमें इसी से काम करना है कि से स्फेरिकल होगा, डंबल होगा। अभी डी के हम लोग एग्जांपल लेके नहीं चलेंगे फिलहाल, हम लोग ये सारी चीजें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे, डी का यूज नहीं आएगा, हम फिलहाल इतनी बातें करेंगे, जब इसका आएगा तो हम आगे आपको अलग से पढ़ा देंगे। तो फिलहाल हमें एक देखना है कि एस से जो होगा उसकी कितना होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे आपको सोडियम का करना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और इनके ऑर्बिटल अगर डायग्राम बनाते हैं तो 1s का आप एक ही ऑर्बिटल बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बट P में आप देखेंगे कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, 3। और फिर से आप 3s बनाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द 3s, दिस इज द 2p, दिस इज द 2s, दिस इज द 1।
तो एस वाले जितने ऑर्बिटल हैं एक ही है और पी वाले कितने ऑर्बिटल हैं तीन है, तो पी वाले तीन ऑर्बिटल हैं, बट पी का जो पी सबसेल का जो शेप होता है क्या होता है, डंबल होता है। तो पी सबसेल में देखिए हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम जीरो नहीं भी हो सकता है। तो एस का ऑर्बिटल एक ही है इसलिए इसका इसका कितने शेप होंगे, एक ही होगा, स्फेरिकल होगा। एस में एक ही ऑर्बिटल है, पी में देखिए पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल है, मतलब तीन ऑर्बिटल के अलग अलग नाम होते हैं, तो अलग अलग नाम है तो इनका होता है पी एक्स, पी वाई और दूसरा होता है पी जेड। पी सबसेल के पास जो पी ऑर्बिटल या फिर हम बोल सकते हैं कि पी जो सबसेल है उस सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, इसको भी आप सबसेल ही कर लीजिए, सबसेल और दिस आल्सो सबसेल, सेल सबसेल। तो जो पी सबसेल है उसके कितने ऑर्बिटल हैं, देयर आर थ्री ऑर्बिटल और तीनों ऑर्बिटल के नेम डिफरेंट डिफरेंट है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो सिंपल यहां पे अभी चाहिए जो पी एक्स और पी वाई है आप इसको क्या रखिएगा, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज द न्यूक्लियर एक्सिस है, इस न्यूक्लियर एक्सिस पे जो एस होता है एस ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो क्या होगा, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस होगा, और जो पी ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल का पी जेड, देर आर थ्री पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, बट पी जेड एट न्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगा, अलोंग होगा अलोंग द एक्सिस, बट पी एक्स एंड पी वाई, पी एक्स एंड दिस इज द पी एक्स एंड दिस इज द पी वाई, ये दोनों क्या होंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक तो हम पी सबसेल और एस सबसेल की शेप बता रहे हैं, जो एस सबसेल का जो होता है जो ऑर्बिटल होता है, जो ये ऑर्बिटल है ये कहां पे होगा, अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस। पी सबसेल का जो जेड ऑर्बिटल है ये अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस है, पर पी एक्स और पी वाई दोनों कहां पे है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताने का क्या तरीका है, सॉरी जरूरत है इसमें, कि जो इसके इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेजेंट होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दिस इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो। तो अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो यहां तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो यहां पे शेयरिंग नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां पे होगा, या तो यहां पे या तो यहां पे या यहां पे या तो यहां पे या तो यहां पे या तो यहां पे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो वही दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर। और पी जो एस का होगा ये पूरे ऑर्बिटल में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, एस का कुछ नहीं है, एस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पी जेड और पी एक्स और पी वाई में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट दैट या तो यहां पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं लोब, जो आपने बनाया है डंबल इसके इस पॉइंट को बोलते हैं, दिस कॉल्ड द लोब, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमें बताने का मतलब ये मतलब यहां पे कि हमें पढ़ना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसकी बातें करना है, ठीक है। अब सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप बस अभी तो फिलहाल इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि किस टाइप के होते हैं, टी और एफ डी की हम बातें बाद में करेंगे, फिलहाल आपको एस सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, पी सबसेल का शेप डंबल होता है, देयर आर थ्री पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, और जो पी जेड होता है अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस होगा, पी एक्स और पी वाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, एस भी क्या होगा न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जितने ऑर्बिटल उतना शेप, तो एस के एक ही ऑर्बिटल होता है, एक सेल के लिए एक ऑर्बिटल होगा, दिस इज द सेकेंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल, तो एक सेल के लिए एक ही ऑर्बिटल, बट पी पर सेल कितने ऑर्बिटल होते हैं, थ्री ऑर्बिटल पर सेल, देन इक्वल टू टू सेल में है तो कितने ऑर्बिटल हैं, थ्री, और
एक ऑर्बिटल का नाम पी एक्स पी वाई और क्या है पी जेड है, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड है, तो यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड आप देख लीजिए, पी एक्स पी वाई पी जेड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एग्जाम्पल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो पहले आप सोचिए एक हाइड्रोजन लीजिए और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1s1 मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो अभी आपने देखा कि जो s ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होता है डंबल सॉरी स्फेरिकल, तो अगर उसका शेप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बना लीजिए आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएंगे एक ऑर्बिटल डायग्राम तो एक आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेगा। सेकेंड ए हाइड्रोजन है और यहां दूसरा हाइड्रोजन ले लिया क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है दो हाइड्रोजन, इसका भी ओवरलैपिंग आप देखेंगे तो वन कॉन्फिगरेशन तो 1s1 ही है। आप यहां पे भी अगर इसके ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई डाउट नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं, यहाँ पे आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप दोनों को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए सर्कल में, तो आप देखिए यहाँ पे अब दोनों को ओवरलैपिंग कराना है तो आप सोचिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है प्लस यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है दिस वन यहाँ वाला सॉरी हाँ यहाँ वाला है, दोनों को ओवरलैपिंग जब कराएंगे तो दोनों की देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे ओवरलैप हो गया, तो ये पहले वाला हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया या सेंटर में आ गया, ये जो रीजन है ये रीजन दोनों पर्टिकुलर सर्कल का है शेयरिंग हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिंगल, यहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड हो गया सिंगल और सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है और जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है कितने पेयर है इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, दैट्स वे दिस इज कॉल्ड द इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉन्ड पेयर और ये कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। तब देखिए हाइड्रोजन के ऑक्टेट क्या होता सॉरी हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, उसके डुप्लेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन था दूसरे शेयरिंग करके इसने अब क्या कर लिया डुप्लेट फॉर्म कर लिया, दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए कंप्लीट, इसको दूसरे टर्म में आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयरिंग कर लिए तो यहां पे किसका फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया एंड द बॉन्ड इज फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर। एक और एग्जांपल लेते सेकेंड एग्जाम्पल F2 मॉलिक्यूल, हमें किसकी फॉर्मेशन की बात करना है F2 मॉलिक्यूल की। अच्छा एक F का आप देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 5 होगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे हमने क्या बोला है कि द बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्टार्ट के लेक्चर में आप देखिएगा ये बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर ओवरलैपिंग आप देखेंगे तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाते हैं तो यस की 1 ऑर्बिटल बट उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और देयर आर पी ऑर्बिटल बट पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पहले क्या करना है एक एक इलेक्ट्रॉन भर लीजिए
फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, पर ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा एफ ले लीजिए, उसके भी 9 इलेक्ट्रॉन है, उसके भी कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, 1s2, 2s2, 2p5, इसका आउटर मोस्ट से लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब क्या लिखेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों में भर जाएंगे और एक रह जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे फिलिंग कर लेंगे तो आप देखिए। अच्छा, अब एक चीज और भी नोटिस करना है कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसको आप क्या करो, डाउनवर्ड कर दो, क्योंकि ओवरलैपिंग कराना है, एक डायरेक्शन के नहीं होने चाहिए, दोनों में एक डायरेक्शन, एक अपवर्ड होगा एक क्या डाउनवर्ड होगा। अब देखिए क्या करना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन है तो दोनों की कैपेसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दीजिए। तो अब इसको मान लीजिए दिस इज द पीएक्स पीवाई पीजेड, पीएक्स पीवाई पीजेड है क्या, पीएक्स पीवाई की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जितना चाहिए है, लेकिन पीजेड कंप्लीट नहीं है। तो पीजेड को अभी आपने क्या माना था, न्यूक्लियर एक्सिस पे है, तो एक पहले वाले फ्लोरीन का आप बना लीजिए प्लस दूसरा फ्लोरीन आप बना लीजिए, ये पहला फ्लोरीन है उसके जो एक इलेक्ट्रॉन जो पीजेड है, ये पीजेड है, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला पीजेड ले लीजिए उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड है और एक क्या है डाउनवर्ड, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन जब करेंगे ये न्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियर एक्सिस है, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहां पे यही तो मिलेगा ना, दोनों जब ज्वाइंट हो गए तो देखिए हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है क्या, अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा, तो सो जी एक एफ ए है और एक एफ ए है, तो दोनों के पर्टिकुलर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और एक कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, 1 1, तो कौन सा बॉन्ड बचेंगे, सॉरी कौन सा बॉन्ड बनेगा, एफ और एफ के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एफ और एफ के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल, सिंगल बाई सिंगल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 7, बट 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने, 6, तो पर फ्लोरीन एटम कितना बच गया, पर फ्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रखे, आप उसको पेयर में रख दिया आपने, दूसरे के पास देखिए दिस वन, आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है क्या फ्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद देखिए क्या दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही रीजन कोवेलेंट रीजन है जहां पे शेयरिंग हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8, दोनों के ऑक्टेट क्या है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या F2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, कैसे स्टेबल हुआ, क्योंकि पहले कितने थे 7, बट चाहिए कितना था 8, 8 बिकम हाउ बाय शेयरिंग, शेयरिंग कर लिया तो एटम क्या हो गया स्टेबल, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर, तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जाता है पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाएगा केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे बट उसमें से कितना शेयरिंग किया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 किया तो 1 का बॉन्ड बना दिए, जो बचा हुआ है उस एटम के चारों तरफ डॉट स्ट्रक्चर या लेविस, हमने पढ़ाया था लेविस डॉट है क्रॉस स्ट्रक्चर, तो आप उससे क्या करो रिप्रेजेंट कर लो। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को देखो यहां लिखते हैं और एक उसमें कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं, देखिए हमने लिखा है एफ सिंगल बॉन्ड एफ लिखा है, एफ सिंगल बॉन्ड एफ बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन थे पर फ्लोरीन,
वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, तो बची हुई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। और इसके पास भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, यहां पे क्या बन गया? बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। जब पर्टिकुलर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। कि अगर F2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देयर आर हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितने? दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की यूज हो रहा है? दो बॉन्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दिस इज द बॉन्ड पेयर। बट जो रेस्ट में बचा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बड़े शेयरिंग में नहीं गए, ये रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड में फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए, बट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पार्ट है। उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमने लिखा है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। इट मे बी मेटेलिक, इट मे बी आयनिक, इट मे बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में चले गए, जिससे बॉन्ड बन गया, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। बट जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रह गए बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनको पेयर भी लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक नया टर्म आ रहा है यहां पे, लोन पेयर। रेस्ट में अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन बचा है, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना करके बहुत रिप्रेजेंट हो गया, शेयरिंग में चला गया, तो दिस इज द बॉन्ड पेयर। तो सोचिए कि एक फ्लोरीन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। तो इसके पास भी कितने लोन पेयर है? सॉरी, इस एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। इसके पास भी कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर कितने होंगे? टोटल लोन पेयर इन F2 मॉलिक्यूल कितना होगा? टोटल लोन पेयर इन F2 मॉलिक्यूल कितना होगा? 6 होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जाता, बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाता, रेस्ट में रह जाता है एटम में, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और एटम शेयरिंग अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करता है, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब जितना की जरूरत होगा उतना ही शेयरिंग करेगा। ऐसे नहीं कि आप किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड बना दो, किसी में ट्रिपल बना दो, ट्रिपल की जरूरत है तो सिंगल बना दो, सिंगल की जरूरत है तो ट्रिपल बना दो, ऐसा नहीं है। उस एटम को स्टेबल होना है, और एटम स्टेबल तभी होगा जब उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। और वो 8 इलेक्ट्रॉन बाई लूजिंग, बाई गेनिंग, बाई शेयरिंग होगा, तभी हो। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया? 1-1 इलेक्ट्रॉन। रेस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप उसी फ्लोरीन एटम के चारों तरफ रिप्रेजेंट कर दो और उसको पेयरिंग में लिखोगे, दिस इज कॉल्ड द लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुए, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि F2 मॉलिक्यूल हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? देयर आर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पर फ्लोरीन एटम कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? दिस इज देयर आर द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? देयर आर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड पेयर हैं? देयर आर 1 बॉन्ड पेयर। ओके, तो आज तक इतने ही। नेक्स्ट क्लास में इसे पाई बॉन्ड के एग्जांपल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।